जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक हमेशा से पेन पॉइंट कह लीजिए, बहुत ज़्यादा डाउट कह लीजिए रहता है कि हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, और पेपर में जाकर वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है, और उनको रिकॉल नहीं होता है, और कहीं ना कहीं उससे उनकी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है। तो आइडिया हमारा यहाँ पर टीम निशा पर ये है कि किस तरीके से हिस्ट्री के सर्टन टॉपिक्स को, जो कि बहुत ज़्यादा रेगुलरली पूछे जाते हैं, उनको हम ट्रिक्स के थ्रू कैसे याद करें, कैसे आप पेपर में उसको रिकॉल कर सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, मैं बहुत सारी इसको लेकर वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा फोकस काफ़ी ज़्यादा इस पर है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनमें कि अगर हम ट्रिक्स बना लें या कहीं ना कहीं उनको याद कर लें किसी न किसी तरीके से, तो पेपर में हमारे सीधा सीधा 5 से 10 क्वेश्चन करेक्ट और हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपकी सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। दैट इज़ द आइडिया। शुरुआत करते हैं। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ट्रिक हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, ठीक है जी। उससे पहले की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे, उनके फाउंडर्स को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आइडिया ये है, डोंट वरी, ट्रस्ट अस, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, मेमी ट्रिक्स फॉर प्री कांग्रेस एसोसिएशंस एंड देयर फाउंडर्स, ठीक है। तो इसको करते हैं, छोटा सा सेशन रहेगा, आखिरी तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सेशन में ही याद हो जाएंगी, दैट्स द प्रॉमिस। चलो, सबसे पहले आता है जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, 1837, फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर इन कोलकाता, ठीक है जी। तो लैंडलॉर्ड भाई, एक व्यक्ति ने क्या किया है, रेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, रेंट नहीं दे रहा है, लैंडलॉर्ड फोन कर रहा है बार बार के भाई रेंट दो रेंट दो, तो लैंडलॉर्ड सेज द्वार खोल, ठीक है, लैंडलॉर्ड पहुंच गया है और कह रहा है भाई दरवाजा खोल, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड से क्या हो गया आपका, लैंड होल्डर सोसाइटी, और द्वार से द्वारकानाथ, ठीक है, द्वारकानाथ, ठीक है, खोल से कोलकाता, ठीक है, खोल से कोलकाता। वैसे तो द्वारकानाथ टैगोर है, बंगाल में है, तो बहुत ही ऑब्वियस है, बट जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये हो गया आपका द्वार से द्वारकानाथ हो गया, लैंडलॉर्ड क्या कह रहा है, द्वार खोल, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1843, ठीक है। तो इसके फाउंडर हैं जॉर्ज थॉम्सन, मेंबर्स इंक्लूडेड यंग बंगाल ग्रुप, ठीक है, जॉर्ज थॉम्सन। तो इसका है भाभी जी घर पर हैं क्या, ठीक है, वेरी फेमस सीरियल भाभी जी घर पर हैं, ठीक है, आई होप सबने ये सीरियल कभी ना कभी देखा होगा, या कुछ ना कुछ इसकी क्लिप्स देखी होंगी। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भाभी, तो ये हो गया बंगाल ब्रिटिश, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश, ठीक है, इंडिया सोसाइटी, तो आई आई से हो गया इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ठीक है, तो बीबी से याद रहेगा, भाभी जी, जी से क्या हो गया आपका, जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज थॉम्सन। तो भाभी जी घर पर हैं, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, इसके हैं भाभी जी, तो भाभी जी घर पर हैं, सो ये हो गया जॉर्ज थॉम्सन, ठीक है जी। मैं आपको बता रहा हूं, पेपर में इतना भी आपको अगर क्लिक कर गया ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो इसकी, इसका एक्रोनिम देखते हैं, BIA, देखो ये ध्यान रखना, ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ओके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्याह, ब्याह मतलब शादी, ब्याह है ना, ब्याह हो गया है क्या तुम्हारा, ऐसे पूछा जाता है। सो ब्याह नहीं हुआ राधा कृष्ण जी का, ठीक है, राधा कृष्ण जी का शादी नहीं हुई, ठीक है, बट उनका जो है प्रेम हमेशा से माना जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पर फाउंडर है राजा राधाकांत देव, राधाकांत देव, ठीक है, तो ब्याह नहीं हुआ राधा कृष्ण जी का, सो ब्याह से BIA से क्या हो गया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, और फाउंडर हैं राजा राधाकांत देव, ठीक है, राजा राधाकांत देव, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फाउंडर, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, तो ध्यान रखना ये अलग अलग है दो, एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन है, एक नेशनल इंडियन एसोसिएशन है, दो अलग अलग एसोसिएशन थी। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, NIA, निया, निया नाम भी होता है, ठीक है, निया।
तो फाउंडर कौन है, मैरी कारपेंटर। केशव चंद्रा सेन की भी असिस्टेंस थी इसमें, ठीक है, मैरी कारपेंटर को उनको असिस्टेंस दी थी। तो निया मेरी कार केशव को दे आई, निया जो है वो मेरी कार केशव को दे आई। तो निया से हो गया आपका नेशनल इंडियन एसोसिएशन, मेरी से मैरी हो गया, ठीक है, केशव से केशव चंद्रा सेन हो गया, ठीक है, कार से भी कारपेंटर हो गया, मेरी कारपेंटर, ठीक है, मेरी कार मेरी कारपेंटर हो गया, केशव से केशव चंद्रा सेन हो गया, ठीक है। तो निया नेशनल इंडियन एसोसिएशन, मेरी कारपेंटर, केशव चंद्रा सेन। आई होप मजा आ रहा होगा और याद हो रहा होगा, इंडियन लीग 1875, इंडियन लीग 1875, इसके फाउंडर हैं शिशिर कुमार घोष, ठीक है, जो मॉडरेट माने जाते थे। अब इसका है IL, ठीक है, IL, आई लव माई सिस्टर, सिस्टर शिशिर में सिस्टर, सो आई लव माई सिस्टर, ठीक, सो IL से आई लव से इंडियन लीग हो गया और सिस्टर से शिशिर कुमार घोष हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका इंडियन लीग। नेक्स्ट आता है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंडर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। इतना सुंदर गाना भी है ना, इतना सोना तेनू रब ने बनाया, तो वैसे ही है, सो इतना सुंदर बनाया, आनंद ही आ गया बॉस, ठीक है, मतलब भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया है, इसमें अब आप भाई ऋतिक रोशन की फोटो लगा लो या जो भी आपको जो भी आपके मनपसंद व्यक्ति है, ठीक है, उसकी फोटो इमेजिन करो और उसको आप ये डायलॉग मार रहे हो कि भाई इतना सुंदर बनाया है, आनंद ही आ गया बॉस, ठीक है, भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया। तो इन्ना से क्या हो गया, IN ने, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सुंदर से क्या हो गया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और आनंद से क्या हो गया, आनंद मोहन बॉस, बॉस बॉस, ठीक है, सो इन्ना सुंदर बनाया है कि आनंद ही आ गया। तो इन्ना से क्या हो गया, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सुंदर से सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इसके बाद आनंद से हो गया आपका आनंद मोहन बोस, ठीक है जी, तो ये याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन महाराष्ट्र, ये भी मेनली हम बंगाल की बात कर रहे थे, ठीक है, महाराष्ट्र, लंडन इंडियन सोसाइटी, फाउंडर कौन है, दादा भाई नेरोजी, ठीक है, लंडन इंडियन सोसाइटी, दादा भाई नेरोजी, तो लंडन में आता है डॉन, ठीक है, डॉन, और इसमें दादा, ठीक है, तो दादा के दो मतलब होते हैं, एक दादा होता है जो बंगाल में है, दादा मतलब बड़ा भाई, ठीक है, और एक दादा मतलब दादा जो डॉन, ठीक है, तो डॉन इज इक्वल टू दादा, ठीक है, याद करने के लिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स माने जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर्स माने जाते हैं इंडियन नेशनल कह लीजिए कांग्रेस के और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, तो यहाँ पर डॉन दादा, ठीक है, सो लंडन इंडियन सोसाइटी, दादा भाई नेहरूजी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी दादा भाई नेहरूजी हैं, तो इसका है ट्रिक, सूरज दादा ईस्ट से निकलते हैं, हम कहते हैं ना सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूरज दादा, ठीक है, सूरज दादा कहां से निकलते हैं, ईस्ट से निकलते हैं, तो दादा से क्या हो गया, दादा भाई नेहरूजी, ईस्ट से हो गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, सूरज दादा कहां से जो है ईस्ट से निकलते हैं, तो ये हो गया सूरज दादा से दादा भाई नेहरूजी, ईस्ट से हो गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा में कौन कौन है, जीवी जोशी, एमजी रानाडे, मेनली एमजी रानाडे, जीवी जोशी, एसएच साथे, एसएच चिपलोंकर, ठीक है, तो ये है आपकी पूना सार्वजनिक सभा। अब एमजी रोड पूना का देखिए, एक बहुत फेमस जगह है एमजी रोड पूना में, ठीक है, एनीबडी फ्रॉम पूना प्लीज गिव मी अ थम्स अप और लिख दीजिएगा कि हाँ अच्छी जगह है, जो भी है अपना कमेंट लिखिएगा ताकि हमें पता लग जाए। तो एमजी रोड पूना का सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, मतलब सार्वजनिक मतलब सब लोगों के लिए है वो स्थान, ठीक है, सार्वजनिक स्थान है, बहुत लोग वहां आते हैं, इसलिए बहुत सारे जीवन साथी वहां चिप्स खाने जाते हैं, ठीक है, सार्वजनिक जगह है तो जीवन साथी मतलब न्यूली मैरिड कपल्स हैं या कॉलेज में जो कपल्स हैं वो वहां चिप्स खाने जाते हैं, इस तरीके से आप ट्रिक समझ लीजिए। तो एमजी से हो गया एमजी रानाडे, ठीक है, पूना से हो गया पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक पूना का सार्वजनिक स्थान है तो पूना सार्वजनिक सभा, ओके, जीवन, जीवन से जीवी, जीवी जीवन, ठीक है, आई होप सिमिलर साउंडिंग है, जीवन साथी, ठीक है, साथी से क्या हो गया, एसएच साथी, ठीक है, साथे या साथी, और चिप्स खाने जाते हैं चिपलोंकर, ठीक है, याद हो गया। एमजी रोड पूना का एक सार्वजनिक स्थान है जहां पर जो है जीवन साथी चिप्स खाने जाते हैं,
ठीक है, मतलब घूमने फिरने जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो एमजी से एमजी रानाडे, पूना सार्वजनिक, और ये हो गया जीवन साथी से जीवी जोशी, साथी और चिपलोंकर, चिप से चिपलोंकर, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका पूना सार्वजनिक सभा, 1870 में बनी थी। इनके फाउंडर्स कौन कौन है? नेक्स्ट आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फाउंडर है फिरोज शाह मेहता, के टी तलांग, बदरुद्दीन तायब जी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी ट्रिक क्या है? बॉम्बे के प्रेसिडेंट फिर से तेल लगाकर दिन में तैयार होते हैं, मतलब उनको तैयार होने का बड़ा शौक है, और वो दोबारा से अपने मतलब दिन में जब लाइक अपना काम करके जब वापस ऑफिस जाते हैं, मतलब लंच ब्रेक के आए और दोबारा से ऑफिस गए, तो फिर दोबारा से तेल वेल लगा के बढ़िया से तैयार होकर जाते हैं, ठीक है। तो बॉम्बे के प्रेसिडेंट, सो बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन फिर से क्या हो गया? फिरोज शाह मेहता, ठीक है, तेल से केटी तेलांग तेल, ठीक है, दिन बद्रुद्दीन, ठीक है, तायब जी, ठीक है। तो ये हो गए आपके फाउंडर्स। सो बॉम्बे के प्रेसिडेंट फिर से तेल लगाकर दिन में तैयार होके जाते हैं, ठीक है। सो बॉम्बे से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिरोज शाह मेहता, तेल से केटी तेलांग, और दिन बद्रुद्दीन, और तैयार से तैयब, ठीक है जी। दो तीन बार आप जब इसको पढ़ोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन मेड्रास, ठीक है जी, मेड्रास में देख लेते हैं। तो पहला है मेड्रास नेटिव ऑर्गेनाइजेशन 1852, इसके फाउंडर हैं गजुला लक्ष्मी नारोसू, ठीक है, लक्ष्मी नारोसू, ये हैं मद्रास के नेता गजराज लक्ष्मी हैं, ठीक है, मद्रास के नेता गजराज लक्ष्मी हैं, ऐसे इसको आप याद रख लो। तो यहाँ पर मद्रास के नेता, मद्रास नेटिव नेता से गजराज गजुला, ठीक है, लक्ष्मी नारसू, गजराज बेसिकली जो है कौन से भगवान का नाम है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखोगे, इजी है वैसे, सिंपल है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। और दिस इज द मद्रास नेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका मद्रास महाजन सभा, फाउंडर हैं एम वीर राघवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चारलू। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, मद्रास के महान जनवीर भी हैं, और शुभ आनंद में भी, मतलब बहुत ताकतवर भी हैं, वीर भी हैं, ये मद्रास रेजिमेंट के हमारे वीर सिपाही, और शुभ आनंद में भी हैं, मतलब खुश भी रहते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं लाइफ को, शुभ आनंद में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। सो मद्रास से हो गया महाजन से मद्रास महाजन सभा, वीर से वीर राघवचारी, ठीक है, वीर राघवचार्य, और शुभ से क्या हो गया आपका? सुब्रमण्यम, ठीक है, शुभ से सुब्रमण्यम या सुब्रमण्यम, ठीक है। और फिर आपका आनंद से क्या हो गया? पी आनंद चारलू, ठीक है, आनंद से पी आनंद चारलू। तो महाराज के जो मद्रास के जो महाजन वीर हैं वो वीर भी हैं और शुभ आनंद में भी रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मद्रास महाजन सभा। तो आई होप यू ऑल हैड अ फन, ठीक है, इन ऑल दिस ट्रिक्स, कुछ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोबारा से, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप देखो, जो भी ट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं ये तब तक आपको याद नहीं होंगी जब तक आप एक्टिवली इसको बैठ के रिकॉल नहीं करोगे। अच्छा, इतना सुंदर बनाया था, ठीक है, मज़ा ही आ गया, ठीक है, आनंद ही आ गया बॉस, ठीक है, तो अब याद करो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, INA, ठीक है, ठीक है, याद आ रहा है, ओके, निया जो है मेरी कार केशव को दे आई, ठीक है, याद हो गया। तो आपको निया NIA कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, उसके बाद अभी हमने जैसे मद्रास महाजन सभा की बात करी कि मद्रास के महाजन जो हैं वीर भी हैं और शुभ आनंद में भी रहते हैं, तो तीन लोगों के नाम हो गए, वीर से हो गया, शुभ से हो गया सुब्रमण्यम, और आनंद में रहते हैं आनंद चारलू, वीर से वीर राघवचार्य, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्टिवली रिकॉल करना है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना है, ठीक है, जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक ये सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा, पढ़ के आप चले जाएंगे। इस वीडियो का आपको बेनिफिट तब मिलेगा जब आप इसको लिखेंगे, एक्टिवली रिकॉल करेंगे,
कभी भी, ठीक है, एक दो दिन में आप इसको बैठ के पढ़िए, देखिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए जब दोबारा से आप इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, एंड प्लीज डू शेयर ऑल्सो, ठीक है, विद अदर स्टूडेंट्स, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो कि कैसे सिंपल तरीके से हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।